ज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर जो होने वाले ट्वेंटी सेकेंड जून के कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू सो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टार्ट so, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ which country will provide a loan of 200 million euros to India to support Delhi's COVID response. So, हमें बताने की कौन सी country ने provide किया है 200 million euros का loan India को, जिसे वो support कर सके Delhi COVID response. So, वो कौन सी country है? दैट इज़ फ्रांस और फ्रांस ने दिया है इंडिया को टू हंड्रेड बिलियन यूरोज का लोन जिसे वो सपोर्ट कर सके डेली कोविड रिस्पॉन्स अगर फ्रांस की बात करें कैपिटल क्या है कैपिटल इज़ पैरिस करेंसी इज़ यूरो इटली की क्या है रोम एंड करेंसी इज़ यूरो जर्मनी इज़ बर्लिन करेंसी इज़ यूरो कैनेडा इज ओटावा करेंसी इज़ डॉलर ठीक है डेली की बात करें तो सी एम कौन है अरविंद केजरीवाल गवर्नर एज अनिल बैजाल और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया फाइव टी प्लान लॉन्च किया ऑपरेशन शेल ऐसी कोरोना एक ऐप भी निकाली है जिसका है डेली ना, जो बेसिकली इन्फो प्रोवाइड करेगी वेंटिलेटर्स बेड की डेली में ठीक है एक बीएमसी ने भी ऐसी ऐप निकाली है जिसका है नेयर वेंटी जो जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी बेड एंड वो वेंटिलेटर्स की ठीक है मुंबई के अंदर सो so, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है डेली से रिलेटेड सो so आप याद रखिएगा सो नेक्स्ट वे मूव करते हैं ऑन विच डे मनीपुर ऑब्ज़र्व द नाइनटीन ग्रेड जून अपराइजिंग डे सो हमें बताने कि कब ऑब्ज़र्व किया मनीपुर ने नाइनटीन ग्रेड जून अप्राइजिंग डे सो कब ऑब्ज़र्व किया दैट इज़ एटीन जून को ऑब्जर्व किया मनीपुर ने ठीक है नाइनटीन ग्रेड जून अप्राइजिंग डे अगर हम बात करें मणिपुर की सी एम कौन है एन बीरेन्द्र सिंह गवर्नर इज नजबा हब्दुल्ला इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है इन्होंने लॉन्च किया था फूड बैंक एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसकी वजह से मनीपुर न्यूज़ में था सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनबल एनर्जी है सेटअप अप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल सो मिनिस्ट्री जो है न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी उन्होंने सेटअप किया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल सो हमें यह बताने किस के अंडर ये सेटअप किया गया है जिसे वो ट्रैक कर सके अट्रैक uh, कर सके इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी स्पेशली इन द सोलर सेक्टर सो किस के अंडर सेटअप किया गया है ये प्रोजेक्ट दैट इज़ अमितेश कुमार सिन्हा के अंडर ये सेटअप किया गया है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल ठीक है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी स्पेशली इन द सोलर सेक्टर आप मुझे बताइएगा मिनिस्ट्री कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट स्टेट ऑन द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट क्राइजिस जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन हु पब्लिश दिस रिपोर्ट सो हमें यह बताने की इंडिया ने रिलीज किया अपनी फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन सो हमें यह बताने की रिपोर्ट जो है पब्लिश किसने की है सो so, किसने की है ये पब्लिश दैट इज स्प्रिंग नेचर ने यह पब्लिश की है रिपोर्ट जो कि रिलीज की है इंडिया ने ठीक है इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस ठीक है टाइटल तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं Who has been named as a photographer of the year in the professional category in 2020 Sony World Photography Award? So, किसका का नेम लिया गया है एज द फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन द प्रोफेशनल कैटेगरी इन ट्वेंटी ट्वेंटी सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड सोनी का नेम बताना है हमें दैट इज पैब्लो एल्बरेंगा ठीक है इनका नेम है पेब्लो एलबरेंगा जिसका नेम लिया गया है एज अ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इन द प्रोफेशनल कैटेगरी इन 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट सो हमें बतानी है रैंक कितनी है मुकेश अंबानी की इन फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में सो so कितनी है दैट इज़ नाइंथ रैंक है मुकेश अम्बानी की अगर हम टॉप की बात करें सो टॉप किसने किया है जय बेजॉस ने टॉप किया है इसमें दैट इज़ फॉर्फ रियल टाइम बिलियन लिस्ट में ठीक है अगर हम बर्थ डे के मुकेश अम्बानी की सो कितनी है दैट इज़ सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर ठीक है अगर फॉर्ब्स का हेडकोर्टर की बात करें तो न्यू जर्सी यू एस एज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फॉर्ब्स ठीक है और मुकेश अम्बानी की रैंक कितनी है नाइन्थ रैंक है और टॉप किसने किया है जयब बेजॉस ने टॉप किया है इसके अंदर सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं who among the following has been appointed president of BMW India so किसको appoint किया गया है as a president of BMW India so कौन बने हैं that is Vikram Pawar को बनाया गया है president of BMW India अगर बीएमडब्ल्यू की headquarters की बात करें तो गुरुग्राम इसका headquarters है ठीक है so next question पे move करते हैं हु अमंग द फॉलोइंगज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया इज नेक्स्ट एंड वर्ल्ड टू जिम्बावे सो किस को बनाया गया है एज अ इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बावे सो किस को बनाया गया है दैट इज़ विजय खंडूजा को बनाया गया है इंडिया इज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बावे ठीक है अगर हम जिम्बावे की कैपिटल देखें हरारे एंड करेंसी इज डॉलर ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अक्स्ट एम्बेडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ़ फ़िलिपींस सो किस को अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ़ फ़िलिपींस सो कौन बने हैं दैट इज़ शंभू एस कुमरन को बनाया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ़ फ़िलिपींस ठीक है सो नेक्स्ट में मूव करते हैं सो so, ये बाकी है जिन जिन को अपॉइंट किया गया है ठीक है सो फिनलैंड के लिए अपॉइंट किसको किया गया है रविश कुमार को ये एम्बेसडर बने हैं एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड ठीक है बेल्जियम के लिए किसको बनाया गया है संतोष झा को यूनाइटेड किंगडम के लिए बनी गायत्री आई कुमार और कुवैत के लिए सीबी जॉर्ज रोमानिया के लिए राहुल श्रीवास्तव और स्विटरलैंड के लिए मोनिका कपिल मोहता सो so, ये इंपॉर्टेंट था तो so इसलिए मैंने इंक्लूड किया सो so, आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च विच आर एन डी पोर्टल फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सो हमें बताना है कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है आर एन डी पोर्टल सो उसी का नेम बताना है फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सो क्या नेम है उसका दैट इज सत्या भामा इज द नेम ऑफ द आर एन डी पोर्टल फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट और लॉन्च किसने किया ये लॉन्च किया प्रहलाद जोशी ने ठीक है सो नेक्स्ट में मूव करते हैं रिसेंटली विच ड्रग हैजीन अप्रूव बाय देंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन सो हमें बताने कौन सा ड्रग जो है वो अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कि फ़ाइट करेगा अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन सो so, उस ड्रग का नेम बताना है सो so, क्या नेम है दैट इज़ फेवी पिराविड ठीक है फेवी पिराविड इज द नेम ऑफ द ड्रग जो कि अप्रूव किया गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो फाइट करेगा अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन अगर हम हैडक्वाटर की बात करें सी डी एस सी ओ का सो so हेड क्वार्टर कहाँ पर न्यू डेली है इसका हेड क्वार्टर जिसने अप्रूव किया है ये ड्रग दैट इज फेवी पिरा वे बैंक है सेंशन यू एस डी ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू वे कंट्री सो हमें बताने की एक्सिंग बैंक ने सेंशन किया है यू एस जी ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो मिलियन मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट कौन सी कंट्री को सो so कौन सी कंट्री को दिया है दैट इज़ निकार गोवा को ये दिया गया है एक्सिंग बैंक है सेंशन यूएस ई ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू निकार गोवा अगर हम बात करें एक्सिंग बैंक की इसका हेडकॉर्टर कहाँ पर है मुंबई आप मुझे कैपिटल करेंसी बताइएगा निकार गोवा की कैपिटल करेंसी क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं

दैट इज़ वन पॉइंट जीरो फाइव बिलियन डॉलर फाइनेंशियल एड अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने फॉर हेल्पिंग द इकनॉमी ऑफ बांग्लादेश ठीक है अगर बांग्लादेश की बात करें इसकी जो कैपिटल है दैट इज ढाका करेंसी इज ढाका ठीक है वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वाशिंगटन डी सी और इसके जो प्रेजिडेंट है डेविड मालपास और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो मेम्बर है वर्ल्ड बैंक की दैट इज वन एटी नाइन और वॉशिंगटन डी सी इसका हेड क्वार्टर है और अभी इसके अंदर चीफ इकनॉमिस्ट अपॉइंट हुए हैं जिनका नेम है कार्डमेन रेनहाार्ट ठीक है सो ये इम्पॉर्टेंट था इंपॉर्टेंट था सो तो याद रखिएगा पे so, करते हैं। हमें है कि ने किसके साथ की मतलब कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसे वो इंट्रोड्यूस कर सके इट्स फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग जिसका नाम है क्लिक टू buy प्लेटफॉर्म सो so, किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया ने दैट इज एच डी एफ सी बैंक के साथ होंडाई मोटर इंडिया ने पार्टनरशिप की है जिसे वो इंट्रोड्यूस कर सके इट्स फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें एच डी एफ सी बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका मुंबई इसका हेड क्वार्टर है ठीक है इसके एम डी ओ सी ई कौन है आदित्य पुरी इज एम डी एंड सी ईओ ऑ ऑफ द एच डी एफ सी बैंक एंड चेयरमैन कौन है दीपक पारे इज अ चेयरमैन ऑफ एच डी एफ सी बैंक ठीक है इससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है समर ट्रीट कैंपेन लॉन्च किया है एच डी एफ सी ने और एक कैंपेन भी लॉन्च किया था और एक सॉन्ग लॉन्च किया हम हार नहीं मानेंगे ठीक है कोविड नाइनटीन के लिए ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वर्ल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सो हमें कि वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है सो so कब मनाया जाता है दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमेज डे ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है दैट इज़ ट्वेंटी फर्स्ट जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जिसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज क्या थी थीम हाइड्रोग्राफी अनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज जो कि मनाया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट जून को और ट्वेंटी फर्स्ट जून को वर्ल्ड योगा डे इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम ठीक है सो so, और एक डे और मनाया जाता है दैट इज़ वर्ल्ड म्यूज़िक डे सो ये सब डे मनाया जाता है ट्वेंटी फर्स्ट जून को ठीक है इंपॉर्टेंट है ये डे सो so याद रखिएगा मूव so, करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन सो हमें बताने कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है सो so, कब मनाया जाता है दैट इज ट्वेंटी एथ जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जिसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट क्या थी थीम एवरी एक्शन काउंट एंड वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है ट्वेंटी एथ जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ठीक है सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं सो so, ये है फंड जितना एलोकेट किया गया है स्टेट्स को जल जीवन मिशन के अंडर ठीक है सो so, ये आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं इसको ठीक है सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो so, ये आज के लिए क्वेश्चन है सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो थैंक यू एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट